पंचायत उपचुनाव की मतगणना संपन्न। मामला है जनपद श्रावस्ती के विकास खंड जमुना के अंतर्गत ग्राम पंचायत लाल बोझा के प्रधान पद का उपचुनाव की मतगणना आज संपन्न हुए, जिसमें लखपता को 344 मत प्राप्त हुए तथा सुमन वर्मा को 303 मत, गीता देवी को 222 मत प्राप्त हुए, जिसमें लाखता 344 मत पाकर विजय घोषित किए गए। इन्होंने 41 पाकर विजय घोषित की गई और सुमन देवी को 41 मतों से पराजित का किया गया और दूसरे स्थान पर रहे प्रधान पद रिक्त का मतगणना शांतिपूर्वक सुरक्षा के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर उप जिलाधिकारी जमुना के परमिंद्र कुमार, मजिस्ट्रेट तहसीलदार जमुना नारायण सिंह के खंड विकास अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र दुबे, सहायक विकास अधिकारी सुरेंद्र प्रताप वर्मा, थाना प्रभारी निरीक्षक मल्लीपुर दद्दन सिंह व पुलिस सुरक्षा के दृश्य कड़े इंतजाम किए गए थे तथा भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष महेश मिश्रा ने विजय प्रत्याशी लापता को धन्यवाद दिया और विजय होने की शुभकामनाएं भी दी। और बताया गया कि उनके पुत्र गुरुदेव प्रसाद भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता था। क्षेत्र पंचायत सदस्य के मतगणना संपन्न हुए, जिसमें रेशमा पत्नी परवेज को 362 मत प्राप्त हुए तथा उनके प्रतिद्वंदी रहमतुल पत्नी सद्दाम को 362 मत मिले। दोनों को बराबर मत प्राप्त होने के कारण द्वारा गोटी छोड़े गए, जिसमें रेशमा पति परवेज का नाम निकला और उन्हें नवनिर्वाचित घोषित कर दिया गया है। जनपद श्रावस्ती से बुजो अहमद की रिपोर्ट। आप ग्राम सभा की प्रधान निर्वाचित की गई हैं लाल बोझा की, क्या आप ग्राम सभा के प्रधान निर्वाचित होने के बाद गांव सभा के में क्या करेंगे, ये बताओ क्या करेंगे गांव में? अच्छा काम करेंगे, विकास का कार्य भी करेंगे। आप दोनों लोग बहुत प्रयास के बाद, पहले भी चुनाव के पहले भी आप विजयी हुए थे और दैवीय वश कारण आप दोबारा चुनाव उपचुनाव लड़े और इसमें भी विजयी हुए। आपका जनता के प्रति क्या सहानुभूत रहेगा? बहुत बढ़िया रहता है, बहुत बढ़िया सहानुभूति। जनता गांव के प्रति में आप क्या करना चाहते हैं, कैसे कार्य करेंगे? पूरा करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे।